सहयति सिन्धुरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणम् वासरमणिरिव तमसाम् राशिन्नाशयति विघ्नानाम्। हरिओम और नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाजन गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं शनिवार 22 अगस्त 2020 को आने वाले महागणेश पूजन के बारे में या पार्थिव गणेश पूजन के बारे में। ये पूजन हमें कैसे करना है, पूजन की तैयारी कैसे करनी है, अगर पूजा के लिए उचित पुरोहित या पंडित जी न मिले तो हम अपने हाथों से या अपने श्रद्धा से भगवान जी का पूजन कैसे यथावत कर सकते हैं, पूजन का सीक्वेंस कैसा है, पूजन का आचरण कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, ये सब आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं पूजन की तैयारी के बारे में। तैयारी में हमें क्या करना है, तो थाली लेनी है, इसमें कटोरी रखनी है या आप दोना भी रख सकते हैं, और उसमें हमें हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, जनेऊ, कपूर, सिंदूर, ये सब भर के अलग अलग रखना है। साथ में उसी थाली में छुट्टे पैसे और मौली या लाल पीला धागा आप रख सकते हैं। एक फूल की थाली सजाकर रखें, जिसमें हार हो, छुट्टे फूल हो, बेलपत्र हो, तुलसी दल हो, दुर्वा हो, और भगवान जी को अर्पण करने के लिए अलग अलग वृक्षों के पत्र या पत्ते पूजा की थाली में आप रख सकते हैं। दिए हमें तैयार करके रखने हैं भगवान जी की पूजा के दोनों बाजू में। राइट साइड में घी का दिया हो, लेफ्ट साइड में तेल का दिया हो। अखंड दिया या अखंड ज्योत आप बनाकर रख सकते हैं। जो घी का दिया बनाते हैं वो फूल की तरह वाती बनाए, और जो तेल का दिया होता है उसकी लंबी वाती आप कपास से, कॉटन से बना सकते हैं। अब बात करते हैं भगवान जी के आसन के बारे में या मखर के बारे में। अगर आपके पास रेडीमेड मखर है तो उसी के ऊपर आप भगवान जी का विग्रह स्थापन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मखर नहीं है तो आप चौकी ले सकते हैं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा कर रखे, धागे से उस वस्त्र को अच्छी तरीके से आप बांध दे ताकि आजू बाजू के दिए के ओर वो वस्त्र उड़कर कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो वस्त्र के ऊपर या चौकी के ऊपर चावल से आप स्वस्तिक बना सकते हैं। चौकी के नीचे रंगोली से स्वस्तिक या श्री चिन्ह अंकित करना है, और फिर हमारे भगवान जी की प्रतिमा को आपको उस स्थापन के ऊपर या उस चौकी के ऊपर, उस आसन के ऊपर स्थापन करना है। भगवान जी के पूजा में दाहिनी ओर राइट साइड में हमें एक मंगल कलश स्थापन करना है। ये अक्षय कलश होता है, जितने दिन तक हमारी पूजा स्थापन होती है वो पूरे समय तक उस कलश को स्थापित किया जाता है, उसे हिलाया नहीं जाता। तो ये कलश कैसे स्थापन करना है, कलश लेना है, इसमें पानी चढ़ाना है, आम के पत्ते डालने हैं, थोड़ी दुर्वा डालनी है, हल्दी डालनी है, कुमकुम डालना है, छुट्टे पैसे डालने हैं, कलश को धागा बांधना है, कलश के गले को, और ऊपर श्रीफल रखना है यानी नारियल रखना है, फूलों से चारों तरफ सजा के रखना है। चारों दिशाओं में नीचे से ऊपर तक चंदन का टीका आप लगा सकते हैं, या कुमकुम गीला करके उसका स्वस्तिक आप चिन्हित कर सकते हैं। एक बाजू में पंचामृत की थाली आप बना के रखना है। दही, दूध, घी, शहद और शक्कर, ये अलग अलग भी रख सकते हैं या इकट्ठा मिलाकर भी आप रख सकते हैं। भगवान जी के सामने 5 पान हमें रखना है, खाने के पत्ते। तो पान के ऊपर क्या रखना है, तो छुट्टे पैसे रखने हैं, चावल रखना है, सुपारी रखनी है, लौंग, इलायची रखना है, हल्दी और कुमकुम रखना है। इस प्रकार से 5 बीड़ा या 5 बीड़ा के पान हमें तैयार करके रखने हैं। मित्रों,
अब देखते हैं हमें आगे की तैयारी कैसे करनी है। अपने मकर के सामने आप खड़ा होकर भी पूजा कर सकते हैं, या अगर आपको व्यवस्था है तो बैठकर भी आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करते वक्त मकर के सामने या चौकी के सामने एक पाटला रखें, पाटले के ऊपर एक पात्र जिसे तामन कहते हैं वो रखना है। आचमनी पात्र अपने लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में ही पानी से भरा हुआ एक कलश हो, राइट साइड में दिया हो, दिए में डालने के लिए घी या तेल रखना है, राइट साइड में फूल वगैरह रखना है, लेफ्ट साइड में हल्दी कुमकुम की थाली रखनी है। भगवान जी के सामने दाहिनी ओर राइट साइड में शंख रखना है और लेफ्ट साइड में घंटी रखनी है। अगर आप पूजा में सपत्निक बैठे हुए हैं, पारिवारिक बैठे हुए हैं, तो हमेशा किसी भी भगवान जी की पूजा में हमें अपनी धर्म पत्नी को अपने राइट साइड में बिठाना है। जब भी हम भगवान जी की पूजा करते हैं तब धर्म पत्नी राइट साइड में होती है। धर्म का काम करने के लिए अपने दाहिनी ओर अपनी पत्नी को रखना है। और जब हमारी कोई पूजा करता है या हमें कोई दान वगैरह प्रदान करता है या हमें कोई आरती उतारता है, तो ऐसे वक्त पे अपनी धर्म पत्नी को अपने लेफ्ट साइड में बिठाने के लिए रखना चाहिए, ऐसी शास्त्र मान्यता है। अगर आप सपत्निक नहीं बैठे हैं तो अकेला सदस्य भी इस पूजन को कर सकता है। जो समझ वाले व्यक्ति है, मतलब 12 वर्ष के आगे के बच्चे है या स्त्री पुरुष है, वो हर कोई स्त्री या पुरुष इस व्रत का आचरण अपने हाथों से कर सकता है। पूजा के पहले जो हम पार्थिव विग्रह या भगवान जी की पार्थिव मूर्ति लेके आए हैं, माटी के तत्व से बनी हुई मूर्ति लेके आए हैं, वो मूर्ति को वस्त्र से आच्छादन करके रखना है, चुनरी या लाल कपड़ा मूर्ति के ऊपर ढक के रखना है, और मूर्ति के सामने जो हमने व्यवस्था की है उसी के साथ अपने घर के पूजा की पंच धातु की मूर्ति या सुवर्ण की या चांदी की मूर्ति आप रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एक चावल के ऊपर आप सुपारी रखकर भी भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। ये भगवान जी की पूजा में आमतौर पे किए जाने वाली तैयारी है। ये तैयारी करके हम अपने गुरु जी का या पुरोहित जी का इंतजार कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपको कोई भी पुरोहित नहीं मिले या गुरु जी नहीं मिले, तो आप स्वयं अपनी श्रद्धा से और श्रद्धायुक्त अंतकरण से भगवान जी का पूजा कर सकते हैं। तो आज जानेंगे, अगर पंडित जी हमारे पास नहीं है तो हम किस प्रकार से भगवान जी का पूजन स्वयं कर सकते हैं।